नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ नींबू प्लांट्स के केयर पॉट में कैसे करने से आपको साल भर नींबू मिलेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ वो है पॉट के बारे में। आप जिस पॉट में प्लांट को लगा रहे हो उस पॉट का साइज़ कम से कम 14 इंच का होना चाहिए। आप देख पा रहे हो मेरा जो पॉट है वो 24 इंच का है। 18 इंच का गमला हो तो अच्छा है। दोस्तों हो सके तो मिट्टी या सीमेंट का गमला यूज़ किया कीजिए, लेकिन आपके पास अगर मिट्टी या सीमेंट का गमला नहीं है तो आप प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हो। इसमें भी नींबू प्लांट्स अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ वो है पॉटिंग मिक्स के बारे में। अगर आपका प्लांट्स बहुत पुराना है, अगर उसमें फल नहीं बन रहे हैं तो आपको प्लांट्स का मिट्टी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आप पूरा मिट्टी भी चेंज कर सकते हो या फिर आप 50% मिट्टी चेंज करोगे तो भी चलेगा। दोस्तों पॉटिंग मिक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों पॉटिंग मिक्स के लिए आप 50% गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हो, 30% सैंड और 20% काउ डंग आप मिक्स कर सकते हो। काउ डंग में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए काउ डंग मिलाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का भी मिक्स कर सकते हो। दोस्तों इसमें एक मुट्ठी अगर आप नीम खोल मिक्स कर दोगे तो इसमें आपके प्लांट्स पे कभी भी फंगल इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ वो है सनलाइट के ऊपर। दोस्तों क्योंकि नींबू प्लांट सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है। इसको आप कभी भी शेडी एरिया में मत रखिए, पूरा साल भर इसको सनलाइट प्रोवाइड कीजिए। अगर आप दिन में 6 से 7 घंटा सनलाइट इसको प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपके प्लांट्स बड़ा तो हो जाएगा लेकिन आपके प्लांट्स में कभी भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप प्लांट्स को टेरेस पर रख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो टिप्स है मेरा वो है खाद के बारे में। दोस्तों ये प्लांट्स खाद बहुत पसंद करता है। खाद के लिए आप स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो। तो उससे पहले प्लांट्स को 1 इंच गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप प्लांट्स के मेन स्टेम से 6 इंच दूर आप बोन मिल यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसको आप महीने में एक बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपका प्लांट्स 14 इंच से बड़ा है तो आप प्लांट्स में 50 ग्राम तक बोन मिल दे सकते हो महीने में एक बार। दोस्तों बोन मिल जानवर के हड्डी से बनने वाला फर्टिलाइजर है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस और कैल्शियम रहता है, लेकिन आपके प्लांट्स में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो आप इसमें DAP एंड पोटास का मिक्स दे सकते हो आपके पॉट के हिसाब से। आपके प्लांट्स पे बहुत जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है, इसलिए आप इसके अलावा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो हर 20 दिन के अंतराल पे। इसमें भी आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा आप बनाना पिल्स या फिर ओस्टेज वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हो एज ए फर्टिलाइज़र। दोस्तों इसके अलावा प्लांट्स में वाटरिंग भी बहुत मायने रखते हैं प्लांट्स में फ्लावरिंग और फूटिंग पाने के लिए। दोस्तों दिन में एक बार प्लांट्स पे अच्छी तरीके से वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सुबह के वक्त बहुत अच्छा होता है पानी देने के लिए। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से वाटरिंग किया कीजिए ताकि पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए। दोस्तों इस प्लांट्स पे ज़्यादा तो फंगल इन्फेक्शन होता नहीं है, लेकिन पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों इस प्लांट्स पे कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो आपके प्लांट्स के नए नए लीव्स को खा जाते हैं। तो इसके लिए आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हो आपके प्लांट्स पे। दोस्तों 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप रोगर मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए हर 10 दिन के अंतराल पे, तो आपके प्लांट्स पे कभी भी ऐसे कीड़े नहीं लगेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप आपके प्लांट्स पे नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों नींबू प्लांट्स साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है और ठंड से पहले अक्टूबर महीने में इसका सभी पत्ता झड़ जाता है। तो दोस्तों डरने का कोई बात नहीं है, नवंबर महीने में इसमें फिर से नए नए लीव्स निकलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे प्लांट्स में कितने सारे नए नए लीव्स निकलना शुरू हो गया है और साथ ही साथ नए नए फ्लावरिंग भी शुरू हो गया है। और दोस्तों अभी भी देखिए मेरे प्लांट्स पे बहुत सारे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, मतलब नींबू लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये तो पूरे साल भर ही ऐसा होता है, फ्लावरिंग भी होता है और फ्रूटिंग भी रहता है प्लांट्स पे। तो दोस्तों ये तो रहा पूरी जानकारी नींबू प्लांट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, उसके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं नए नए प्लांट्स के ऊपर वीडियोस लेके आता जो आपको गार्डनिंग करने में बहुत मदद मिलेगा। तो दोस्तों, इसका अपडेट मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, चलते हैं, बाय।